आचार्य जी प्रणाम जी। अभी रात के 12 बज गए, शहीद दिवस शुरू हो चुका है और पिछले कुछ दिनों से मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनके विषय में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे पास एक किताब आई जिसमें भगत सिंह के बहुत सारे लेख और उन्होंने जो लेटर्स जेल से अपने घर वालों को लिखे थे वो सब मुझे वहां पढ़ने को मिले। भगत सिंह रीडर और, जी भगत सिंह रीडर। और बड़ी अच्छी बात मुझे उसमें ये लगी कि दो तीन लेटर्स थे और दो तीन उनके लिखे गए लेख थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं चाहता था कि आपसे उनके बारे में पूछूं। मैं सबसे पहले तो एक लेटर था जो भगत सिंह ने मेरे ख्याल से तब लिखा था जब उनके पिताजी ने एक अपील दायर करी थी कोर्ट में कि उनको जिस सजा के लिए बुलाया जा रहा है, जिस केस के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है कोर्ट में, वो उसके दोषी नहीं है और उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाए, उन्हें बचा लिया जाए बेसिकली। और आश्चर्य मुझे तब हुआ जब भगत सिंह को ये बात पता चली, तो उन्होंने इसके बारे में फिर अपने पिता को उसी वक्त एक लेख लिखा और अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उन्होंने शायद उनको डांटा ही था उसमें, कि सबसे पहली लाइन ही कुछ ऐसी थी कि मैं बिल्कुल आई एम एस्टाउंडेड टू सी दैट यू हैव ट्राइड डूइंग सो एंड सो। तो वो उनपे बहुत सारी बातें कहते हैं कि आप जो लोग कुछ लिख रहे हैं, कि आपने जो कुछ मुझे बचाने की, जो फांसी से बचाने की कोशिश करी, वो अपने आप में एक कमजोरी की निशानी है। एक हद तक तो ये तक कह देते हैं कि आपने मेरे पीठ में खंजर घोंपा है ये खत लिखकर और मुझे बचाने की कोशिश करके। तो ये मेरे लिए थोड़ा अलग था, मैंने कभी शायद इस तरह से किसी 20-22 साल के व्यक्ति को अपने पिता से बात करते हुए नहीं देखा। बस मैंने पढ़ा वहां पे तो मुझे थोड़ा अचरज हुआ। इसके बाद मैं एक जगह देख रहा था कि भगत सिंह ने ही एक टाइम पर श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी लिखी थी और उस जीवनी में वो एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वहां पर दिखाते हैं कि जब बिस्मिल जी को फांसी मिलनी थी उससे सिर्फ एक रात पहले उन्हें मौका मिला अपनी माँ से मिलने का, और जब उनकी माँ उनके सामने पड़ी, वो जेल में थे, तो अपने आप ही उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। अब इस मौके पर भगत सिंह जी लिखते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें सांत्वना नहीं दी, उन्हें पुचकारा नहीं, उल्टा उनसे कहती हैं कि ये पछतावे की और संदेह की कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह तुम्हारे पूर्वजों ने देश के लिए और धर्म के लिए बलिदानी दी है वैसी तुम भी दो, और इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। तो उनकी बात सुनकर बिस्मिल जी थोड़ा हंसते हैं और हंसने के बाद उनसे बोलते हैं कि डर और संदेह की बात क्या है, मैंने कोई पाप थोड़ी किया है, वो तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ ऐसा है कि जैसे आग के पास कोई घी को ले आए तो थोड़ा पिघल तो जाता ही है, बस इसलिए कुछ आंसू आ गए, वैसे मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी तरह कुछ बातचीत हुई और बातचीत खत्म हुई और फिर बताते हैं कि अगले दिन उनको फांसी दे दी गई। अब जब मैंने दोनों किस्से पढ़े और मैं यहाँ पे इस बात को देखकर बार बार सोच रहा था कि यहाँ पे मेरे सामने 20-25 साल के नौजवान खड़े हैं जो अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं, तो जिस तरह की बातचीत हुई वो मेरे लिए बड़ी नई थी। मैं चाहता था कि हमने भगत सिंह के कारनामे बहुत सुने हैं कि उन्होंने उसको गोली मार दी, उन्होंने यहाँ पे असेंबली में बम फोड़ दिया, पर ये जो साइड है भगत सिंह की, ये जो साइड है किसी क्रांतिकारी की, इसकी कभी कोई बात नहीं करता। और दूसरी बात मेरे मन में जो बार बार आ रही थी वो ये थी कि ये जो साहस है, जो वीरता जिसको हम बोलते हैं, जिसकी हम इतनी प्रशंसा भी करते हैं, ये आती कहाँ से? और दूसरी बात ये कि हम लोगों के अंदर एक कायरता कहाँ से आती है, हम लोग वैसे क्यों नहीं है? ये जो मुझे भेजा है तुमने अंग्रेजी में है प्रिंट आउट, राम प्रसाद बिस्मिल की आखिरी मुलाकात का उनकी माता जी से भगत सिंह के शब्दों में, ये मैं पढ़े देता हूँ। हिंदी वाले श्रोताओं को थोड़ी तकलीफ होगी तो मैं चाहूँगा कि जब उनके सामने जाए तो इसका हिंदी अनुवाद भी साथ में चला जाए। अभी अंग्रेज़ी में पढ़े देता हूँ। इसके साथ में आपने एक ये तीसरा पन्ना और लगाया है, ये क्या है, जिसमें सीआईडी के मिस्टर हैमिल्टन की बात है, ये क्या है? ये जल्दी शायद मैंने पूरी बात नहीं पढ़ी थी, पर ये जो पूरा लेख है ये एक साथ लिखा हुआ था, भगत सिंह जी ने ही लिखा है वहां पर,
और ये एक्चुअली दो लेख, जिसमें पहला वाला जो लेख है वो उन्होंने एक पत्रिका के लिए लिखा था, और फिर जो दूसरा लेख है वो दूसरी पत्रिका के लिए लिखा था। तो मैं अभी पहले पहला पढ़ देता हूँ, वही अभी इस संदर्भ में ज़्यादा अर्थपूर्ण है। श्री राम प्रसाद बिस्मिल वॉज अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग मैन, अ वंडरफुल पोएट, वेरी हैंडसम टू लुक एट, वेरी टैलेंटेड। दोज हु न्यू हिम सेड दैट हैड ही बीन बॉर्न इन अनदर प्लेस और कंट्री और अनदर एरा, ही वुड हैव बीन एन आर्मी चीफ। He has been considered the leader of the entire conspiracy. Even though he was not very educated, he would beat a public prosecutor like Pandit Jagat Narayan. He wrote his appeal in the chief court himself, upon which the judges commented that a very intelligent and competent person had a hand in the writing of that appeal. He was hanged on the evening of the 19th December. When on the evening of 12th December he was offered milk, he declined, saying that now he would drink only his mother's milk. He met his mother on 18th December, that's one day before the hanging. When he met her, tears streamed from his eyes. His mother was a very strong lady. She said to him, sacrifice your life with courage for dharma and country, like elders such as Harishchandra, Dadhichi, etc. There is no need to worry or regret anything. He burst into laughter, said, Ma, what worry and what regret would I have? I have not committed any sin. I am not afraid of death. But Ma, ghee, which is what would you call it, saturated milk butter, clarified butter, Patma, ghee kept near the fire is bound to melt. Our relationship is such that tears welled in my eyes, otherwise I am very happy. As he was taken to the gallows, he proclaimed loudly, Bande Mataram, Bharat Mata Ki Jai, and walked ahead calmly, saying, Malik, Teri Raza Rahe, Aur Tu Hi Tu Rahe. Malik, Teri Raza Rahe, Aur Tu Hi Tu Rahe. Baki Na Main Rahun, Na Meri Arzu Rahe. Malik, Teri Raza Rahe, Aur Tu Hi Tu Rahe. Baki Na Main Rahun, Na Meri Arzu Rahe. Bhagat Singh has mentioned that he was a wonderful poet, very talented and a handsome man at that. Malik teri raza rahe aur tu hi tu rahe, baki na main rahun na meri arzu rahe. Jab tak ki tan mein jaan ragon mein lahu rahe, tera hi zikr yaar teri justju rahe. Jab तक के तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे. लॉर्ड, मे योर विल प्रिवेल एंड मे यू प्रिवेल. नाइदर आई नॉर माई डिजायर मे रिमेन टिल देर इज लाइफ इन द बॉडी एंड ब्लड इन माई वीन्स. मे यू बी रिमेंबर्ड एंड लॉन्ग्ड फॉर. As he stood on the platform, he declared, I wish the downfall of the British Empire. I wish the downfall of the British Empire. Last words. And then he recited, Ab न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है. नाउ देर आर नो स्वीट डिजायर्स नॉर डू होप्स थ्रॉन्ग, जस्ट अ डिजायर टू डाई नाउ लिव्स इन द वुंडेड हार्ट.
देन ही बिगैन टू प्रे एंड चैंट अ प्रेयर. द रोप वॉज पुल्ड, राम प्रसाद जी वॉज हैंग्ड. टूडे दैट ब्रेव इज नो लॉन्गर इन द वर्ल्ड. द इंग्लिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड हिम अ फॉर्मिडेबल एनिमी. The popular notion is that his only fault was that he was born in this colonized country, but had become a heavy burden to bear and was well versed in warfare. A brave warrior like the leader of the Manpuri conspiracy, Sri Gendalal Dikshit had trained him. During the Manpuri case, he had escaped to Nepal. Now that very training became a cause of his death. His dead body was handed over at 7 and a huge procession was carried out. His mother said in her love for the freedom of the country, "I am happy at such a death for my son, not sad. I wanted a son like Sri Ramchandra. May Sri Ramchandra live long." His procession was bedecked with flowers and wreaths. Shopkeepers showered money from rooftops. At 11, they reached the cremation ground and the last rites were conducted. The concluding part of his letter is presented here for you. I'm very glad. I'm ready for what has to happen on the morning of the 19th. God will grant me strength. I have faith that I shall be reborn very soon to serve people again. Please say my namaskar to everyone. Kindly do one thing more for me. Say my final namaskar to Pandit Jagat Narayan. Who is Pandit Jagat Narayan? The public prosecutor who did everything to get Sri Ram Prasad Bismil hanged. And in his final letter, he says, "Please say my final namaskar to Pandit Jagat Narayan. May he sleep in peace with the money from our blood on his hands. May God grant him wisdom in his old age." All Ram Prasad Ji's desires remained locked in his heart. He made a grand declaration that we are presenting separately, and so on goes the letter. तो ये है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूँ न मेरी आरजू रहे. जब तक है तन में जान, रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे. तो उदित जी ने पूछा कि कहाँ से एक 20-25 वर्ष के युवक में ये साहस आ गया, आजकल दिखाई नहीं देता, ये साहस उनमें कहाँ से आया और ये कायरता हम में कहाँ से आई जो साधारण एक नौजवान है, एक जो साधारण हिंदुस्तानी है, उसमें ये उफान, ये सुरमाई कहीं देखने को क्यों नहीं मिलती. वजह तो शायद इस विवरण में ही झलक रही है. वजह है माँ, माँ वजह है. माँ माने दोनों, एक वो जो दैहिक माँ है, जो माँ रूपी व्यक्ति है, जो माँ रूपी स्त्री है, और दूसरी प्रकृति माँ, जो ये शरीर है, जो ये संसार है. ये वजह है. माँ ही कायरता की जननी है और माँ ही बड़ी से बड़ी बहादुरी को, वीरता को जन्म दे सकती है. कायरता की जननी तो प्रकृति निश्चित रूप से होती है, पर वीरता को जन्म वो बस संभावित तौर पर दे सकती है.
आप एक साधारण भारतीय घर को लें, उसमें एक जवान लड़का हो या लड़की हो, ये कितनी भी कायरता की, भीरुता की, नालायकी की हरकतें करें दुनिया में, और कायरता और नालायकी की हरकतें ये करेंगे ही, क्योंकि शरीर तो बस आत्मरक्षा जानता है ना, शरीर वीरता नहीं जानता, वीरता सीखनी पड़ती है। वीरता का संबंध चेतना से है, कायरता का संबंध शरीर से है, तो वीरता सीखनी पड़ती है, कायरता हम लेकर पैदा होते हैं। तो ये जो घर का जवान लड़का है, ये दुनिया भर में अपनी कायरता प्रदर्शित करता फिरे, क्योंकि देह ही कायर है, तो ये हर जगह अपनी कायरता दिखा रहा है, प्रकृतिगत बात है। ये जब घर आता है, तुरंत इसको गोद और छाया और आंचल मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते? बस यही बात, और यही अंतर है रामप्रसाद जी की माता जी में और साधारण माताओं में। अगले दिन, अगली सुबह 7 बजे उन्हें फांसी होनी है, पिछली रात मिलने आई है, और जरा सी आंखें छलछला गईं तो बोल रही है, क्या कर रहे हो, ये तुमने कहां से कमजोरी आ गई, ये मां है, मां तुम वहां से आ रहे हो जहां से दधीचि आए थे, कि अधर्म को हराने के लिए अपनी देह मिटा करके अपनी हड्डियां देना स्वीकार किया, तुम वहां से आ रहे हो जहां से हरिश्चंद्र आए थे, कि सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ त्यागना स्वीकार किया, तुम रो कैसे पड़े, तुमने ये कमजोरी मुझे दिखा कैसे दी, ये मां है। एक बार को थोड़ा स्थिति के निकट जा करके देखिए, कुछ घंटों के बाद बेटे को फांसी हो जानी है, ये मां नहीं मिलती ना, इसलिए भारत में वीर बहुत कम नजर आते हैं। मां से ज्यादा कोई नहीं होता जो आपको कायर और कमजोर बनाए, और मां से बेहतर स्थिति किसी की नहीं होती जो आप में वीरता का संचार कर दे। लेकिन वीरता का संचार आप में वही मां कर सकती है जो रामप्रसाद बिस्मिल जी जैसी, जिसकी पहली निष्ठा धर्म में हो, जिसका पहला आग्रह सत्य के प्रति हो, जो बेटे से उसके आखिरी क्षणों में भी मिल रही हो, तो बात धर्म की कर रही हो, पुरानी स्मृतियों की नहीं, जब तू छोटा था तो ऐसा था, क्या अभी भी कोई तरीका हो सकता है कि तेरी जान बच जाए बेटा, कुछ नहीं। बेटे से जो आखिरी मुलाकात हो रही है, वो भी धर्म की बात पे हो रही है, वो भी राष्ट्र की बात पर हो रही है, ऐसी मां चाहिए, ऐसी माएं नहीं मिल रही हैं। मां शरीर देती है, और भूलिएगा नहीं कि शरीर तो हम सब का पशुओं जैसा ही है, मां के गर्भ से जो शरीर पैदा होता है वो ठीक वैसे ही आत्मरक्षा के लिए प्रयासरत रहता है जैसे किसी भी पशु का। दो पशु लड़ रहे हो, आप पाएंगे एक जब हल्का पड़ने लगेगा वो भाग लेगा। कोई भी पशु पलायन करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता, यहां तक कि शेर और बाघ भी पलायन कर जाते हैं, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लज्जा की कोई बात ही नहीं है। लज्जा जैसा कोई मूल्य ही नहीं है देह के संसार में। मूल्य किसका है? मूल्य देह की रक्षा का है, मूल्य वीरता का नहीं है, मूल्य देह की रक्षा का। और वीरता क्या दिखाएं? सारे जो युद्ध ही हैं, जब वो रोटी पानी के लिए होते हैं पशुओं में, तो उसमें कौन सा उच्चतर मूल्य या आदर्श सम्मिलित है
कि प्राण दे दिए जाएं। वो तो लड़ाई ही इसलिए हो रही है कि खाना किसको मिलेगा, या मादा किसको मिलेगी, या किसी क्षेत्र पर किसका कब्जा रहेगा। तो इन मूल्यों में ऐसी कोई बात होती भी नहीं कि उसके लिए प्राण दे दिए जाएं। प्रकृति में कायरता तो बहुत उपयोगी चीज है। जहां देह असुरक्षित हो रही हो वहां से दुम दबाकर भाग लो। जिस पक्ष का पलड़ा भारी हो रहा हो उस पक्ष की तरफ झुक जाओ, शामिल हो जाओ, क्योंकि उधर को जाओगे तो खाना पानी बढ़िया मिलेगा, जीवन के लिए स्थितियां ज्यादा अनुकूल मिलेंगी। तो प्राकृतिक होने का अर्थ ही होता है कायर होना। आप हो ही नहीं सकता कि प्रकृति प्रदत्त शरीर लिए हुए हो और आप कायर ना हो। प्रकृति आपको कायर बनाती है क्योंकि कायरता के लाभ हैं। ये प्रकृति माँ है। इसी तरीके से बाहर जो ये तमाम संसार फैला हुआ है, ये भी प्रकृति माँ है और ये भी आपको कायर बनाती है। क्योंकि जो बाहरी व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था इसलिए नहीं चल रही है कि आपकी चेतना को उत्कर्ष मिले। ये बाहरी व्यवस्था इसलिए चल रही है ताकि सबका खाना पीना मौज मस्ती बढ़िया तरीके से होती रहे। जब खाना पीना मौज मस्ती तमाम तरह के भोग यही हमारी सभ्यता और संस्कृति का लक्ष्य है, तो उसमें वीरता के लिए क्या स्थान बचता है? भाई जिधर खाना पीना बढ़िया चल रहा हो उस तरफ को चले जाओ, वीरता क्या दिखा रहे हो? आज तुम्हारे गले में किसी का पट्टा था, वो तुम्हें खाना पीना देता था, कल कोई और तुम्हारे गले में पट्टा डाल के तुम्हें खाना पीना देगा। अपने नए मालिक के दरवाजे पर बंध जाओ कुत्ते की तरह और वहां पर काम करना शुरू कर दो, चौकीदारी रक्षा करना शुरू कर दो। इसमें ज्यादा तुम वीरता वगैरह क्या दिखा रहे हो? जो तुमको रोटी डाल दे उसी के लिए भौंकना शुरू कर दो, वीरता क्या दिखानी है? इस आदर्श पर समाज चलता है, लगभग यही आदर्श। आप त्रुटियां निकाल सकते हैं, मैं तो शिवक्ति कर रहा हूं, पर मैं जिस ओर इशारा कर रहा हूं समझने की कोशिश करिए। तो हम जिस शरीर के साथ पैदा होते हैं वो हमें कायर बनाता है। हमारी जो शारीरिक माँ होती हैं, हमारी माताजी घर में, वो हमें कायर बनाती हैं, क्योंकि उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। वो बस यही चाहती हैं कि बच्चे का, बेटे का या बेटी का शरीर बचा रहे, वो अपना दिखता रहे सुंदर, उम्र लंबी जिए, बीमारियों से मुक्त रहे, नहा धो ले, सर में तेल डाल के कंघा कर ले, कपड़े अच्छे पहन ले। आप लोग भी अपनी माताओं से बात करते होंगे अक्सर, तो वो ये तो नहीं पूछती होंगी कि बेटा तुम्हारा मन कितना स्वच्छ है अभी, ये पूछती खाना ठीक से खा रहा है। ये प्रकृति है जिसमें चेतना के लिए बहुत कम स्थान है, जो बस ये चाहती है कि आपका शरीर चलता रहे। और जैसे ही जोर शरीर के चलने पर होगा कायरता शुरू हो गई। आपको दबाया ही कैसे जाता है? शरीर छीन लेने की धमकी दे करके। शरीर का मोह ही तो कायरता की शुरुआत है ना। कोई कह देगा आपसे कि आपसे शरीर छीन लेंगे आप कायर हो गए। कोई कह सकता है शरीर को जो सुविधाएं मिल रही है वो छीन लेंगे आप कायर हो गए। शरीर में ही कायरता बसती है। तो अब ये तीन है, आपकी अपनी देह जो कायर बना रही है, जो बाहर प्रकृति माँ का विस्तार है वो आपको कायर बना रहा है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक नियम कायदे सभ्यता संस्कृति वो कायर बना रही है, और जो घर में माताजी बैठी हैं वो कायर बना रही है। तो फिर वीरता कहाँ से आएगी? वीरता भी इन्हीं तीनों जगहों में से कहीं से आ सकती है। या तो आपके भीतर स्वतः ही चेतना की ऐसी लौ प्रज्वलित हो जाए जो आपकी सारी कमजोरियों और कायरताओं को जला दे, पर ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है। कि कोई व्यक्ति स्वयमेव ही अपने आप ही खुद ब खुद जरा आत्मज्ञानी हो जाए, और आत्मज्ञानी वो हुआ नहीं कि बड़ा वीर हो जाएगा। हो सकता है ऐसा, पर बहुत कम होता है। एक संभावना यह भी हो सकती है कि सामाजिक संस्थाओं में से कोई ऐसी हो जो आप में वीरता का संचार कर दे, आपको वीरता की शिक्षा दे करके। आप कोई शिक्षक मिल जाए, आप कोई संगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए जो आपकी कायरता को जला करके आपकी वीरता को उद्घाटित कर दे, पर यह भी मुश्किल है।
ये दोनों क्यों मुश्किल हैं? ये दोनों इसलिए मुश्किल हैं क्योंकि आधारभूत रूप से आपका ज्यादा संबंध तो घरवाली माँ से ही होता है, और बचपन से ही यदि घरवाली माँ ने आपको कायरता की ही घुट्टी पिला पिला करके बड़ा करा है तो आगे बहुत मुश्किल होगा किसी गुरु के लिए आपको वीर बना देना, क्योंकि पहला संबंध तो आपका अपनी माताजी से ही रहा है ना। माताजी ने अगर आप में सही संस्कार नहीं डाले तो आगे गुरु का काम बहुत मुश्किल हो जाता है, और माताजी ने अगर आप में सही संस्कार नहीं डाले तब तो इस बात की संभावना और भी न्यून हो जाती है कि आपके भीतर से स्वयमेव खुद ब खुद चेतना की अग्नि उठेगी जो आपके बंधनों को और कायरता को काट देगी। नहीं होने वाला। तो जो घर में माताजी बैठी हैं उसमें आप पिताजी को ही सम्मिलित कर सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं घर में माताजी तो मेरा आशय अभिभावकों से है। तो जो घर में माताजी बैठी हैं उनका जो योगदान है वो सर्वोपरि है, आपकी कायरता में भी और आपकी वीरता में भी। समझ में आ रही है बात? खेद की बात यह है कि 99.9% माताएं ही जिम्मेदार होती हैं अपने बच्चों को अतिशय कायर बना देने के लिए, क्योंकि उन माताओं का अध्यात्म से भी कोई संबंध नहीं रहा होता है, इसीलिए वो अपने बच्चों को भी घोर रूप से भौतिक बना देती हैं, देहवादी बना देती हैं। और बेटा या बेटी कभी जरा अध्यात्म या मुक्ति की दिशा बढ़ भी रहा हो तो माता पीछे से स्वयं बंधन बन के खड़ी हो जाती है। और उसके विपरीत आप यहां देखिए रामप्रसाद बिस्मिल जी की माता जी को, एक क्रांतिकारी को उसकी वीरता के लिए जितना श्रेय मिलता है उससे ज्यादा श्रेय उसकी माँ को मिलना चाहिए। अगर हमें निर्भीक युवाओं की पूरी एक पीढ़ी चाहिए तो उससे पहले हमें जागृत अभिभावकों की एक पूरी पीढ़ी तैयार करनी होगी। कोई क्रांतिकारी पैदा नहीं हो सकता एक ऐसे घर में जिसमें आध्यात्मिक अंधियारा है। जिसे हम एक साधारण मध्यम वर्गीय घर कहते हैं वो अंधेरे का घनघोर अड्डा होता है, वहां क्रांति की कोई लौ भी कभी नहीं टिमटिमाने वाली। मां वो चाहिए जो बच्चे को यदि शरीर दे तो फिर ये भी बताए कि शरीर की हकीकत क्या है, फिर यह भी बताए कि इस शरीर तक ही जीवन को सीमित करके नहीं रख देना है, कि शरीर को बचाए रखना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह भी तो मां को ही बताना होगा ना, मां नहीं तो कौन? मां वो चाहिए जो जन्म यदि दे तो फिर मुक्ति भी दे। जन्म तुमने दिया ना तो मुक्ति भी तुम ही दोगी। दुर्भाग्य की ऐसी माएं मिलती नहीं। माएं हमारी होती हैं ममता का बड़ा भारी कटोरा, बस भावनाएं, बस देह, बस ममता और बस आंसू, मोह, बंधन, कमजोरियां, कातरता और कायरता। अब समझ में आ रहा है कि तब भी भारत की आबादी 40 करोड़ की थी, जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं आज से 100 वर्ष पहले।
90 बरस पहले, तब भी भारत की आबादी 40 करोड़ की थी। कैसे हो पाया ऐसा कि उतनी दूर से चंद द्वीपों वाले एक देश की छोटी सी सेना इतने बड़े एक उपमहाद्वीप के 40 करोड़ लोगों पर राज कर पाई, और उस देश की आबादी इस भारत देश की आबादी की 10% भी नहीं थी, 10% भी नहीं। माओं को पूरा श्रेय है भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे सपूतों को खड़ा करने का, और माओं पर ही पूरा इल्जाम है कि इस देश के करोड़ों युवा जबरदस्त रूप से कमजोर और कायर हैं। कमजोर और कायर हैं क्योंकि उनकी माएं उन्हें अपने आंचल से कभी वंचित नहीं करती। पूत जमाने में कायरता दिखाकर आए तो क्यों नहीं मां के पास जिगर है कि उसे घर से ही निकाल दे? क्यों दरवाजा खोल देती हो? धर्म सर्वोपरि क्यों नहीं है तुम्हारे लिए? क्यों नहीं कहती हो कि अधर्मी हो तो घर में नहीं घुसने दूंगी? पूत को भली बात ही पता है कि कितना भी गया गुजरा हो, लंगफंगा हो, लुच्चा हो, बदहाल हो, बदजात हो, पूरा जमाना उस पर थूकता हो, लेकिन मां का ममतामयी आंचल तो उसे फिर भी मिल जाना है। उसका आत्मसम्मान बचा रह जाता है, उसका अहंकार बचा रह जाता है, उसका केंद्र टूटने नहीं पाता। वो कहता है और कोई मुझे प्रेम देता हो ना देता हो, मां तो देती है ना, वो बच जाता है। मैं मां कह रहा हूं, आप उसमें पिता को भी सम्मिलित कर सकते हैं, पत्नी को भी सम्मिलित कर सकते हैं, भाई और बहन को भी कर सकते हैं। मैं उन सब की बात कर रहा हूं जिनसे आपका रक्त का रिश्ता होता है। बुजदिल है अगर बेटा आपका तो आपने सह कैसे लिया? अधर्मी है अगर बेटा आपका तो उसे आपने घर में घुसने कैसे दिया? पहली बात तो आपने उसको सही पालन पोषण और शिक्षा नहीं दी, और दूसरी बात आप उसकी कमजोरियों को और कायरताओं को लगातार प्रोत्साहन दिए ही जा रहे हो। क्या बोल करके? अरे हमारा बेटा है ना, ये एक अधर्मी मन की निशानी है। ऐसे ही घर को नरक कहते हैं जिसमें सब प्रकार की कमजोरियों को खूब संरक्षण मिलता है। बेटा चाहिए भगत सिंह जैसा कि बाप ने फरियाद करी अंग्रेजों से, याचना करने लग गए तो भगत सिंह ने डांट दिया, क्या कर रहे हो, शर्मसार कर रहे हो मुझे? और बाप भी समझ गए, बोले ठीक बात, नहीं करूंगा। मां बाप उतने समझदार ना होते तो भगत सिंह तैयार ना होते। मां पूछ रही है, कुड़माई शादी सगाई? बोल रहे मेरी दुल्हन आजादी है। कोई साधारण मां होती तो छाती पीट पीट के घर सर पे उठा लेती, बेटे का जीना दूभर कर देती। मां समझदार थी, मां समझ गई, हाँ इसने तो आजादी से ब्याह कर लिया, ये नहीं करेगा अब शादी, और कोई बात नहीं, नहीं करेगा तो बहुत ऊंचा ब्याह कर लिया इसने अब। ऐसी मां चाहिए। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जो शक्ति पंथ है, देवी पूजन की जो धारा है सनातन धर्म में,
जो पूरा शाक्त समुदाय ही है, वो माँ को दोनों तरह से देखता है, जीवनदायिनी भी कहता है और मुक्तिदायिनी भी कहता है। कहता है जीवनदायिनी तो माँ है ही, पर मुक्तिदायिनी सिर्फ तब होगी जब माँ की पूजा करोगे, मतलब समझो, अन्यथा माँ रुष्ट हो गई तो तमाम तरह के कष्ट भी देगी। वो ये भी कहते हैं तुम्हें जितने कष्ट मिल रहे हैं वो भी इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि माँ से विमुख हो गए तुम। माँ ही दोनों काम करती है, बंधन भी देती है और मुक्ति भी देती है। माँ के अतिरिक्त कोई नहीं जो बंधन दे, माँ के अतिरिक्त कोई नहीं जो मुक्ति देने की सामर्थ्य रखे। आपका जिन भी लोगों से संबंध हो, जिनको आप अपना निकटस्थ कहते हो, प्रियजन कहते हो, कृपा करके उनके प्रति थोड़ी निर्ममता रखें। अनजाने लोगों के प्रति तो फिर भी चाहे आप थोड़ा लचर और मुलायम रवैया रख लें चलेगा। जिनका आप वाकई भला चाहते हो, हित कल्याण चाहते हो, उनके प्रति निर्ममता रखें। उनको जरा भी बहकने चूकने न दें। ये एक स्वस्थ संबंध की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं कि आप कहें कि आप फलाने व्यक्ति के निकट हैं। अगर आप निकट हैं तो उस व्यक्ति को सही राह पर रखने की जिम्मेदारी और किसकी है? निकट तो आप है ना, आपको वो अपने प्रियजनों में गिनता है। कोई व्यक्ति है जो आपको गिनता है अपने निकटस्थ प्रियजनों में, तो उस व्यक्ति को धर्म की राह पर रखने का भी दायित्व तो किस पर हुआ? जब आप ही उसके करीबी हो तो उसे धर्म की सच्चाई की राह पर कौन रखेगा, आपके अलावा और कौन? तो इसलिए कह रहा हूं जो लोग आपके करीब के हों उनके प्रति तो विशेषकर निर्मम रहिए। और निर्ममता से मेरा आशय हिंसात्मकता नहीं है, निर्ममता से मेरा आशय बिल्कुल वही है जो ये शब्द कह रहा है, निर्ममता। वो व्यक्ति आपका नहीं है, उसे मम मत मानिए, मेरा नहीं है। आप अगर किसी के करीब हैं तो उसे सच्चाई को सौंप दीजिए, उसे खुद को मत सौंप दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। आमतौर पर हम जिनके निकट होते हैं हम कह देते हैं वो मेरे लिए है, मेरा है, मेरा है ना, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति, जो भी है। मम नहीं, निर्ममता, आपका नहीं है। वो जिसका है उसको उधर जाने दीजिए, वो जिसका है उसको उसको सौंप दीजिए। ना आप अपनी देह के हैं, ना आप किसी व्यक्ति के हैं, ना और कोई व्यक्ति देह का है, ना किसी अन्य व्यक्ति का है। देह तो हम सब की, बस पशुओं की है। यदि चेतना है हम तो वास्तव में हम बस मुक्ति के हैं। और अगर देह गिन रहे हो किसी की, तो देह तो पशुओं की है, या ये कह सकते हो देह तो मिट्टी की है, देह को मिट्टी हो जाना है। मम देह ये कह करके तो मूर्खता दर्शा रहे हो ना, तुम्हारी कैसे है देह, 10 साल मिट्टी हो जाएगी। तो चेतना को मम कहना मूर्खता है, देह को मम कहना मूर्खता है। और चेतना तुम्हारी होती नहीं, चेतना तो खुद ही व्याकुल रहती है, तुम ही से मुक्त होने के लिए तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? चेतना को तुम ही से तो मुक्ति चाहिए। जो तुम्हारे आसपास के लोग हों उन्हें स्वयं से मुक्त करो, उन्हें सच्चाई को सौंप दो। और ये मैं कोई सैद्धांतिक या मात्र किताबी बात नहीं कह रहा हूं। अभी अभी हमने राम प्रसाद बिस्मिल जी के आखिरी क्षणों का वृतांत तो सुना, उनकी माँ से उनका आखिरी साक्षात्कार पढ़ा। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, मत कह दो अरे ऐसा थोड़ी ही होता है, ये तो किताबी बातें, किताबी बातें नहीं है, सबसे ऊंची असली बातें हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा आपके साथ और आपके घर में नहीं हो रहा है तो शर्म की बात है। समझ में आ रही है बात? आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आप में देह भाव का संचार करके रखे। माँ है अगर आप किसी की तो दुश्मन मत बनिए ना, क्योंकि दावा तो आपका प्रेम का है।
प्रेमी हो अगर किसी के, तो क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो? क्यों प्रेम शब्द पर ही धब्बा लगा रहे हो? क्या कहते हैं हम, प्रेम पिंजड़ा नहीं देता, मुक्ति देता है। कौन से प्रेमी हो कि उसे पिंजड़े में बंद कर रहे हो? और मोह और ममता से बड़ा कोई पिंजड़ा होता है? भारत ने एक ये बड़ा गलत काम कर दिया है। भारत से मेरा अर्थ है ये जो अभी समकालीन भारतीय प्रचलित संस्कृति है, इसने हमने माँ को ममता की मूरत बना दिया है और उसको इसी रूप में पूजना शुरू कर दिया है। हमने स्त्री का आदर्श ही बड़ा गलत खड़ा कर दिया है। हम कहते हैं स्त्री तो वही अच्छी है जो ममतामयी माँ बने। आपने अगर स्त्री के लिए ऊंची से ऊंची चीज यही तय कर दी कि तुम्हें ममतामयी माँ बनना है, तो आपने पूरा देश ही नष्ट कर दिया। स्त्री को भी एक चैतन्य व्यक्ति होना है और ममता चेतना की विरोधी होती है। ममता और चेतना एक साथ नहीं चल सकते। और जो भारतीय लोक संस्कृति है, और ये बड़ी विचित्र बात है क्योंकि पता ही नहीं लोक संस्कृति आ कहां से रही है। वैदिक यदि धर्म है हमारा, तो वेदांत तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि स्त्रियों का प्रमुख गुण ममता है। ये हमने कहां से आदर्श बना लिया मैं नहीं जानता कि माँ तो वो जो घर में पल्लू ठीक करके अपने बच्चों को ममता की छाया में रखे, बढ़िया उनके लिए पूड़ी पराठे तले, अच्छे से उनको नहलाए धुलाए, मुंह साफ रखे उनका, यही माँ का उच्चतम आदर्श है। सबसे अच्छी स्त्री कौन है? जो अपने बच्चों की सबसे अच्छे से देखभाल करती है। अच्छे से देखभाल का मतलब क्या है? 3 दफे खाना खिलाती है, 2 दफे उनके लिए दूध तैयार करती है, कपड़े साफ करती, कपड़े इस्त्री कर देती है, पति की सेवा शुश्रूषा कर देती है। इस आदर्श ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भारत ने ये जो 1000 साल की गुलामी झेली, उसमें कहीं ना कहीं ये जो विकृत आदर्श हमने बना दिया है ममतामयी माँ का, इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब माँ इस तरह की होगी तो बेटे वीर लड़ाके नहीं निकल सकते। इस तरह की कमजोर माँ होगी अगर घर में, तो मुझे बताओ कहां से सपूत निकलेगा वीर लड़ाका, और फिर गुलामी आनी तो निश्चित है ना। भारत को अगर वीरों का देश बनाना है, तो सर्वप्रथम ये जो मां का हमने विकृत आदर्श खड़ा कर दिया है, इस आदर्श को ढहाना पड़ेगा। और वो आदर्श तब ढहेगा जब परिवार के साथ ही हमने जो गलत मूल्य जोड़ दिए हैं वो मूल्य हटे। क्योंकि हम जिस ममतामयी माँ की बात कर रहे हैं, वो मात्र ममतामयी माँ नहीं है, वो फिर एक सुशील और आज्ञाकारिणी पत्नी भी तो है। आदर्श स्त्री कैसी? पति की सारी आज्ञाएं मानती है और अपने सब बच्चों के लिए ममतामयी है। सनातन धर्म के पतन में और भारत देश की दास्ता में ये जो विकृत आदर्श हमने खड़े किए, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं दोहरा रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, ऐसे आदर्श न हमारे उपनिषदों से आते हैं, न हमारी गीता से आते हैं, ये आदर्श न जाने किस भ्रष्ट अपसंस्कृति से आते हैं। और हम सोचने लगते हैं कि ये आदर्श धार्मिक है। इन आदर्शों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का संबंध सिर्फ मुक्ति से है। प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति, प्रत्येक चैतन्य जीव की मुक्ति। स्त्री व्यक्ति नहीं है क्या? या पुरुष के लिए मुक्ति होगी और स्त्री के लिए ममता? ये कहां से बात आ गई हमारी संस्कृति में? और जहां से भी आई हो आई हो, आज हम इसको उखाड़ कर फेंक क्यों नहीं रहे, मुझे ये बताइए।
फिर हमें ताज्जुब होता है कि गुलामी क्यों आती है, इतने से अंग्रेज हम पर छा क्यों गए, आज भी भारतीयों का नाम विश्व में बहुत सम्मान से क्यों नहीं लिया जाता, आज भी जब दुनिया में वीरों की बात चलती है तो उसमें भारतीयों का नाम पहले और ऊपर क्यों नहीं आता, हमें फिर ताज्जुब होता है, ताज्जुब क्यों? वीर आसमान से नहीं टपकते, वीर तैयार करने पड़ते हैं, उन्हें सही शिक्षा सही संस्कार देने पड़ते हैं, वैसी मां चाहिए। एक आध्यात्मिक केंद्र के बिना वीरता नहीं आ सकती। मां चाहिए जो बताए बेटे को कि वो तुम हो, वो हो तुम, जो नहीं मर सकता शरीर के जाने के बाद भी, तो मौत से घबराना कैसा, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, बोल रही है मां, मां चाहिए ऐसी। सही काम के लिए जान देनी पड़े बेटा पीछे नहीं हटोगे, और अगर सही काम से पीछे हटे तो मुंह मत दिखाना मुझे, ना मैं मां ना तुम बेटे। मरा बेटा मंजूर है, कायर बेटा नहीं, ऐसी मां चाहिए। फिर देखते हैं भारत को कौन दबाकर रख सकता है, फिर हमको बात बात में छाती पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फलाने ने हमें पीट दिया, फलाने ने हमें हरा दिया, फलाने ने हमारा नरसंहार कर दिया, फलाने ने हमें हमारे घर से निकाल के फेंक दिया। वीरों के साथ ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। पहले से कम हुआ है लेकिन आज भी हिंदू स्त्री अगर कमजोर हो और कायर हो तो इस बात को बहुत बुरी नजर से नहीं देखा जाता, माना जाता अरे भली है, सीधी है, डर जल्दी जाती है। मैं राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ रहा था, कई साल पहले की बात है, तो वो कहते हैं एक जगह पर, कहते हैं अभी एक घटना हुई जहाँ पर कोई सज्जन थे, अब मुझे ठीक से पूरा याद नहीं, विवरण देख लीजिएगा आप लोग, कोई सज्जन थे वो हवाई जहाज उड़ा रहे थे और वो टू सीटर था, तो वो बैठे थे, उनकी पत्नी साथ में बैठी थी, पत्नी थी या प्रेमिका थी याद नहीं मुझे, और बीच उड़ान में हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई, जो पायलट थे विमान चालक वो मर गए, आसमान में ही हार्ट अटैक आया मर गए। तो उनके साथ जो पत्नी बैठी थी, पति की मृत्यु हो गई है, वो बहुत चलाना नहीं जानती थी विमान, लेकिन फिर भी उन्होंने विमान अपने हाथ में लिया, उड़ाती रही, तो धीरे धीरे फिर नीचे बात करी होगी, ऐसे कर करके उन्होंने विमान जमीन पर उतार भी दिया। तो लोहिया जी कहते हैं कोई भारतीय स्त्री होती तो संभावना यही है कि या तो विमान में ही छाती पीटना शुरू कर देती, चूड़ियां तोड़ना शुरू कर देती, और ये भी हो सकता है कि उसको भूत प्रेत के हजार लफड़े विमान में ही शुरू हो जाते। ये मेरी नहीं, लोहिया जी की जबानी है। ऐसी तो हमने बना दी है भारतीय स्त्री, मां मां करके उसको बिल्कुल गाय बना दिया है, कि गाय के अतिरिक्त तो जैसे मां का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। क्या करती है गाय? बछड़े को चाटती है, दूध पिलाती है, यही तो मां का काम है, दूध देती है खूब। हमें सिंघनी चाहिए, ये गाय का आदर्श बहुत हो चुका, बहुत भुगत लिया हमने। समझ में आ रही है बात? कुछ बिल्कुल ठीक करा था, नाम दिया था मदर इंडिया, मदर इंडिया।
ऐसी भारत माँ चाहिए जो अपने पूत को ही गोली मारने में संकोच न करे अगर पूत अधर्मी निकल जाए तो। मदर इंडिया, नरगिस ने जो किरदार उसमें निभाया था उस किरदार ने जीवन भर दुख सहे, लेकिन उसके बाद भी उसका मोह इतना नहीं बढ़ा कि बेटे की नाजायज हरकतों को बर्दाश्त कर ले। और जबकि जो बेटा है वो वास्तव में अपने ऊपर हुए अन्याय का ही प्रतिकार कर रहा था, पर माँ ने उस बात को भी गवारा नहीं करा। माँ ने रोका, चेताया, बेटा नहीं माना, गोली मार दी, अपने ही बेटे को गोली मार दी। प्रकृति जन्य मोह उस माँ को भी है, गोली मार के खूब तड़प रही है, लेकिन कितना भी तड़प रही हो धर्म से पीछे नहीं हटी, ऐसी माँ चाहिए। फिर देखिएगा कि औलादें कैसी खिली हुई मिलेंगी हमें।